नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 30 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुला राशि वालों यह घटनाएं होकर रहेंगी, नहीं टाल सकते, चाहे तो आप हमसे लिखवा कर ले सकते हैं। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जी की अष्टमी मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 30 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। ऐसे में तुला राशि के लोगों के जीवन में यह घटनाएं होकर रहेंगी, नहीं टाल सकते, आप चाहे तो लिखवा कर ले सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि आप लोगों के जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के साथ साथ कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलताओं को दिलवाने वाली हैं। आप लोगों के जीवन के व्यापारिक स्थितियों में आपका सुधार होने वाला है। आप लोगों को जीवन में कर्मों के अनुसार से परिणामों की प्राप्ति होंगे, कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होने वाली है तथा आप अपने सारे काम काजों को पूर्ण करने वाले हैं। आप लोगों के दुश्मन आप लोगों के तरक्की को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आप लोगों का आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। तुला राशि के लोगों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को लाभकारी स्थिति का निर्माण भी होने वाला है। आप लोगों को सगे संबंधी के साथ सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का मौका भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी लाभकारी स्थिति का निर्माण होने वाला है। मित्रों, तुला राशि वाले बेरोजगार लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को रोजगार के पाने के बहुत सारे अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बने रहेंगे, जिनसे कि आप लोगों के सारे कष्ट, सारी के सारे दुख तकलीफें और परेशानी भी दूर हो जाएंगे। आप लोगों को भविष्य से संबंधित कई प्रकार के सपनों को पूर्ण करने का मौका भी प्राप्त होंगे और तुला राशि के लोगों को मानसिक रूप से काफी ज्यादा सफलता मिलेंगे। आप लोगों के सभी मुश्किलें भी आसानी से दूर होंगे। मानसिक रूप से आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, धन में वृद्धि होंगे, नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन की प्राप्ति होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों के सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आप लोगों के सगे संबंधी के साथ सारे के सारे रिश्ते भी काफी अच्छे होंगे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि तुला राशि के लोगों के जीवन में चार चांद लगाने वाली है। आप लोगों को किसी विदेश यात्राओं पर जाने का मौका भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को कोई ऐसी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को नए शहर में नौकरी के लिए आवेदन दिया है, वहां भी आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को आपने सच्चे प्यार की प्राप्ति होंगे, मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होंगे और आप बहुत ही भाग्यशाली बने रहेंगे। तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य को करने से बचने का कोशिश करें। मित्रों, आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकता है, ऑफिस के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि होगी। सोचे हुए कार्य को पूरा करने से आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने सेहत की चिंता करे बिना जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके आस पास के लोग भी आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपको सहारे जा सकते हैं। पैसों की अहमियत को आप अच्छे से समझ सकोगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल में भी आपका माहौल आपके फेवर में रह सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। आपके व्यवसाय की यात्राएं सफल होंगी। परिवार वालों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आपके मित्र भी मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आपके कामों और गुणों की प्रशंसा हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है। दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता रह सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होंगी। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होंगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। आपके जीवन में अगर किसी बातों को लेकर परेशानी चल रही है तो आप अपने जीवन साथी के साथ उन बातों को शेयर कर सकते हैं। आपके मन को इनसे शांति मिल सकती है और किसी तरह की कागजी कार्रवाई से आपको सावधानी बरतनी होगी। आप किसी भी काम को बिना सोचे समझे न करें। आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आपको जीवन में काम काज में आने वाली बाधाएं सारी दूर होंगी। बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होंगी।
ही नए लोगों से मुलाकात हो सकते हैं। आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी सभी चिंताएं खत्म होंगी। समय और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है। कोई भी जोखिम भरा काम करने पर सफलता मिल सकते हैं। पति और पत्नी के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिल सकता है। आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकते हैं। आपके जीवन की अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जितना हो सके दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहें, उतनी ही तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित कर सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का अंत होंगे। बार बार लगातार किया गया प्रयास आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होंगे। पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की आवश्यकता रह सकती है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में दुखों से घिरी आपकी जिंदगी में काफी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। आपको जीवन में अमीर बनने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आपको व्यापारियों को व्यापार व्यवसाय में अप्रत्याशित परिणाम मिल सकता है। आपके कुछ पुराने कार्य भी आसानी से हल हो सकते हैं। आपके द्वारा किया गया कड़ी मेहनत भी रंग ला सकता है। भागीदारों के सहयोग से आप अपने कारोबार में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय घूम करने की अवश्य कोशिश करें, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव कम हो सकते हैं। मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। आप अपना खोया हुआ प्यार भी वापस पा सकते हैं, जिनसे कि आपके मन को संतुष्टि और काफी ज्यादा प्रसन्नता मिल सकती है। आने वाला समय आपको अपने व्यापार व्यवसाय में बड़ा फायदा दे सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके भाग्य का साथ मिल सकता है। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जीवन को जीने में आप काफी ज्यादा प्रसन्नता को हासिल कर सकते हैं। आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होंगी। आपके जीवन में वैसे बदलाव होंगे। आपको अपने जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आपको प्रमोशन के कारण आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है। आपके जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। आप लोगों का किस्मत भी साथ देने वाली है। आपकी किस्मत पलट जाएंगी। पूरी तरह से आपके जीवन में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आप अपने कर्जों से छुटकारा पाने वाले हैं। बहुत सारे कर्जों को आप जल्द ही उतार सकोगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों के पास बहुत सारे धन दौलत आ सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपके घर में चारों ओर से खुशियां आ सकती हैं। माँ काली जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से संपत्ति से संबंधित जो भी मामले आपके उलझ रहे थे उनका समाधान मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिल सकते हैं। जीवन में धन दौलत की अपार प्राप्ति कर सकते हैं। आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आपको जीवन में नियमित रूप से आत्मविश्वास को अपने बलबूते रखने की जरूरत होगी। आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपके भाग्य के सितारे रहने वाले हैं। पारिवारिक मामलों में आप आसानी से हल कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता को अर्जित करने में कामयाब होंगे। आपका व्यापार भी कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जितना आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे उतने ही तेजी से प्रगति करते हुए आप नई मिसाल को स्थापित कर